आप बेफिक्र रहिए। आया नजर अजीब ये मंजर गदीर में, आया नजर अजीब ये परसों सदरनाथ साहब मेरे साथी थे, उनके सामने ही पढ़ा सीए, परसों कब्रिस्तानी थे वो। आया नजर जागे है ना, आया नजर अजीब जो मंजर गदीर में, ऐलान क्यों करे ना अबू जर गदीर में, ऐलान क्यों करे ना अबू जर गदीर में, भाभी से कह दो आके बनाए उतार ले, दूल्हा बना है आपका देवर गदीरा। अजीब समंदर अजीब में, ऐलान क्यों करे ना अबू जर गदीर में, ऐलान क्यों करे ना अबू जर, भाभी से कह दो आके बुलाए उतार ले, दूल्हा बना है आपका देवर गदीर में। जो पुस्तक पढ़ रहे थे तो वो भी मैंने शायद अच्छा, मैं 55 साल हो गया आपको पढ़ रहा हूँ, 69 गया था। तो आला और औला तो वो सुनिए, हाँ अली आला है सबसे, अली आला है सबसे, इसलिए आला समझते हैं, अली आला है सबसे इसलिए आला समझते हैं, फकत आला नहीं हर एक से औला समझते हैं, फकत आला नहीं हर एक से, मौलाना साहब फकत आला नहीं हर एक से औला समझते हैं, मुबारक बात देकर हम कर जाएं, अरे तौबा, अरे नबी ने कह दिया मौला तो हम मौला। मुबारक बात देकर हम मुकर जाएं अगर, अरे तौबा, अरे नबी ने कह दिया मौला तो हम मौला समझते हैं। ये इतना क्या, मैं शायद मैं पानी पी रहा था क्या, हर बात हो गया। नबी ने कह दिया मौला तो हम मौला, बहुत जल्दी पढ़ूंगा, बहुत बहुत जल्दी पढ़ूंगा, क्योंकि भी हमको हमारे गुड्डू भाई भी देख रहे हैं बहुत जोर से, हाँ लेकिन अभी कुछ शुरू किया मैंने, पौना घंटे में तो मेरा गला गर्म होता है, बड़ा मुश्किल हो गया, लेकिन तो हुजूर ये भी देखिए कि हैदर की जान छीनी का ऐलान हो गया, सब पूरा का दे ही पढ़ूंगा, इधर कुछ नहीं, अगर मुहर्रम आता है तो आए, हाँ कुछ भी हो, लेकिन अब मुहर्रम आएगा तो ही मुहर्रम में हम पढ़ेंगे, और उससे पहले नहीं कि मुहर्रम आने वाला है तो क्या, तो क्या हुआ, मुहर्रम आने तो आने दो। हैदर की जान छीनी का ऐलान हो गया, इस्लाम की हयात का सामान हो गया, हैदर की जान छीनी का ऐलान हो गया, आपने सिर्फ 11 मीटर ले लिया, वरना एक अभी हम अब तक खत्म हो जाती नहीं। हैदर की जान छीनी का ऐलान हो गया, इस्लाम की हयात का सामान हो गया, बखिल लगा जबा पे मुनाफिक के आया जब, हम समझे मसले है से मुसलमान। वाह वाह वाह।
अब साहब पब्लिक थोड़ा उधर भी जाएं, फिर इधर आए फिर उधर जाएं, तो जिब्रील लेके हकीम साहब जी ऐसा शेर पढ़ूंगा कि आपकी समझ में आए। जिब्रील लेके आ गए आयत गदीर में, इनके साथ में 50 साल पहले पढ़ता था, कहाँ मलाड फाटक पोटो के कहाँ विजयाल मलाड वलाट कहाँ। जिब्रील लेके आ गए आयत गदीर में, गुजा पयाम हक के मसीहत गदीर में, और सर पे अली के ताजे विलायत को देखकर कितनों की ही निकल गई मैयत गदीर में। मुकद्दर जब मैं कुछ बहुत कुछ पढ़ना चाहता हूँ, लेके भी आता हूँ सब, लेकिन ऐसा कुछ माहौल बन जाता है ये। अरे मुकद्दर जब बिगड़ता है तो ये आलम भी होता है, मुकद्दर जब बिगड़ता है तो मैं जवाब भी बहुत ठहराव मुझे पसंद आया। हाँ नहीं ठीक है, अच्छी आवाज नहीं तो नहीं नीचे ऊपर ना हो, आप तो भाई हैं ज्यादा लगा। मुकद्दर जब बिगड़ता है तो ये आलम भी होता है, मुबारकबाद लपर और दिल में गम भी होता है। मुबारकबाद लपर और दिल में, मुबारकबाद लपर और दिल में, कहीं देखा ना हो जिसने गदीरे खून में आ देखे, जहाँ बजती है शहनाई वही मातम भी हो। अरे आपको देख कर यहाँ जितने शायर आते हैं ना वही शायरी करते हैं। चलिए ठीक है आगे निकलता हूँ। अली के दुश्मनों को जिंदगी भर हम जलाएंगे। तंगीर साहब, तंगीर साहब, अली के दुश्मनों को जिंदगी भर हम चलाएंगे, कयामत का गदीरी जश्न हक वाले मनाएंगे, कयामत का गदीरी जश्न हक वाले मनाएंगे। वसी अपना बनाया है अली को शाहे वाला ने, अरे जले दुश्मन मगर हम हैदरी ने आड़ा लगा। अली के दुश्मनों को जिंदगी भर हम जलाएंगे, कयामत तक कदीरी जश्न हक वाले बनाएंगे। वसी अपना बनाया है अली को शाह वाला ने, जले दुश्मन मगर भाई रही नारा लगा, जले दुश्मन मगर भाई रही नारा। क्या मालूम ये कभी लिखा तो था लेकिन मेरी नजर नहीं पड़ी, पढ़ते ही था, आज पढ़ देता हूँ। ये जश्न तो उसका है जो इल्म का दरिया है। मुझे देखना पड़ा ये कब लिखा, ये इल्म तो उसका है, ये जश्न तो उसका है जो इल्म का दरिया है। दामाद पैगंबर है अल्लाह को प्यारा है, दामाद पैगंबर है अल्लाह को प्यारा है।
देखा जो गुठी को मेराज में अहमद ने पहचान के फरमाया ये हाथ अली का। पहचान के फरमाया नबुवत की फजीलत अहमद मुख्तार को दे दी, नबुवत की फजीलत अहमद मुख्तार को दे दी, इमामत के अली हकदार से हकदार को दे दी, इमामत के अली हकदार से हकदार को दे दी। अली को फिर रजी अल्लाह कहने का मकसद क्या कि जब मर्जी खुदा ने हैदर कर्रार को कि जब मर्जी खुदा ने हैदर कर्रार को दे दी। सुनिए, पूछा लोगों ने कि अल्लाह को प्यारा क्या है, नौशाद साहब क़िबला, पूछा लोगों ने कि अल्लाह को प्यारा क्या है, अपने जन्नत में पहुंचने का सहारा क्या है। ये सवाल तो आपसे भी किया जा सकता है। अपने जन्नत में पहुंचने का सहारा क्या है, तो हंस के बोले ये नबी पूछते हमसे क्या हो, देखो हैदर की तरफ उनका इशारा क्या। पूछा लोगों ने कि अल्लाह को प्यारा क्या है, अपने जन्नत में पहुंचने का सहारा क्या है। हंस के हाँ नहीं देख रहा हूँ मैं, लेकिन मैं इतना चाहता हूँ कि 16 मिनट इन्होंने पढ़ा है, 12 मिनट इन्होंने पढ़ा है, तो कम से कम मेरा 17-18 मिनट हो जाए। हाँ, पूछा लोगों ने कि अल्लाह को प्यारा क्या है, अपने जन्नत में पहुंचने का सहारा क्या है, पूछ के बोले ये नबी पूछते हमसे क्या हो, देखो हैदर की तरफ उनका इशारा, हम उन्हें उगदा कुशा राज जली कहते हैं, हम उन्हें उगदा कुशा राज जली कहते हैं, नायबे खत्म रसूल हक का वली कहते हैं, नायबे खत्म रसूल हक का वली। ये फजीलत मेरे मौला को मिली है रब से, 11 मासूमों के मरकज को अली कहते हैं। अभी जो नारा लगा है दाद दीजिए, वो हमारे टाइम में काउंट नहीं होगा। अभी 2 मिनट है, अभी 2 मिनट है, 2 मिनट है, और 2 किताब पढ़ूंगा, क्योंकि 11:15 बजे आदमी को 12 बजे खाना दोगे अच्छा नहीं, तो भी 11:30 मेरे सुनिए। हाँ नहीं, इतनी दाद मिल गई कि दाद चाहते भी नहीं, शेर को बार बार पढ़ता खत्म करो कुछ भी है। तो जो अरे मैं फिर तो पढ़ता हूँ और क्या पढ़ता हूँ। हाँ वो याद आ गया, वो जो मैंने कहा था कि मैंने आज से 15-18 साल पहले कहा था
और उसको मैंने श्रेयनाथ भी कहा, उसको करना पड़ेगा क्योंकि शाहिद साहब ने आज भी शोहर यात्रा, हालांकि मैंने पढ़ा सीरिया में, पढ़ा इराक पढ़ा और सऊदी में पढ़ा और कहाँ कहाँ मेरे को जाते ही नहीं थे, ईरान में पढ़ा। लेकिन सुनिए, वो जिसकी उंगलियों पर बाबे खैबर फूल बन जाए, वो जिसकी उंगलियों पर बाबे खैबर फूल बन जाए, नजर में क्या किसी की और भी ऐसी फजीलत है, नजर में क्या किसी की और भी ऐसी, उसी को निम्बले खुम ने लिए हैं दोनों हाथों पर, इलाही मुस्तफा के बाजुओं में कितनी खूबत है। इसलिए मैं हजरत ने फरमाया कि मैं फिर पढ़ दी, लेकिन मैं अब ये शेर कह रहा हूँ, यही समझो आप, पढ़ूँ मैं तुम सुने जाओ, पढ़ूँ मैं तुम सुने जाओ, न मैं सोचूँ न तुम सोचो, पढ़ूँ मैं तुम सुने जाओ, न मैं सोचूँ न तुम सोचो, इसी लय में बहे जाओ, न मैं सोचूँ न तुम सोचो, इसी लय में अली की मज़हब में जो कुछ कहूँगा सब भला होगा, अरे अली मौला कहे जाओ, न मैं सोचूँ।